वेलकम बैक टू माय चैनल कलरानी व्लॉग इनको हर्षित सापेटर पाती पिछड़ फेवरेटान केसरी वो सापेटर सो कुमेंगे केसरी अब एल्में पिड़ों ऐसा चटनी से स्वीट अब आम इनकी वो वी पाकपो अब ईसिया और फाइव टू सेवन मिनट्स केसरी एप्ली अब पाकपो वीडियो स्किपा पारें अभी अतल आड पड़ो अभी अद्क वीडियो नहींसा पाक मरकाम सब्सक्राइब पड़े पारें वाँ वीडियो कोलान पाती फर्स्ट ना रवकन अत सुगर एातीन मुंद्रि क्रिस्मस पड़ों ऐलका इतवको वांग एप्ली अब पाकल इतनी पाती अब इतमी पैंडमिक टाइम वे पड़ मुड़ा बट ईसिया हेल्थिया नम्बर वीटल पाती ना वो मूणु टम्लर रव वो मूणु टम्लर सुगर क्रिस्मस ऐलकाचें पेन वे वो पाती रे टेबल स्पून ने वो आड पड़े ऐलका क्रिस्मस वरतकल अड़प सिमे वे वो ऐलका मुंद्रि क्रिस्मसूँ वो ना वरपड़ों पाती मुंद्रि वो ना गोलन ब्रउन आगे मारे वरतेड़को क्रिस्मस पल वो ना बबल्स वो अंदर वरते वो ना वरपे मुड़चे नम्बर वो अतना आड पड़ो अब पाती रवय वरकों सो फर्स्ट मुंद्रि क्रिस्मस पलमू ना वरतेकल और गेस्ट वंटा अब से अब योजे टेजु मुड़चरलासिया रेसीपी वो पाती मुंद्रियों क्रिस्मस पढ़ों वरपेटर एट रवय वो आड पड़ी वरकल रव आड पड़ी वरको अब केसरी कलरबू स्टार्टिंग वरतीटना रव की वो इन साफ्टन को केसरी वो इन टेस्टिया पाती नये वह पाती रवय वरतकल रवय वरको वह पाती अड़पिड़कूड़ा अद समय कलर वो चेंजा अभी करेक्टान स्टेज और मैक्सिमम टू मिनट्स टू थ्री मिनट्स आगे अवलोदा आगे सो वो वरतेड़को नहीं रवय पर तनियो अलव वो मारपड़ी ना एटक रव पाती ना कुरसा सईसुक मूं टम्लर तनी वो देवपड़ नार्मल सईसा अब पारें नार्मल सईसा रेम्लर तनी वो पाती स्टार्टिंग नम्बरों इवयो कलर वो ना चेजा उ सो इवे वो करेक्टान स्टेज नम्बर इतने तनी वो अल्दूटिकल कलर चेंज नम्बर इतना टम्लर ना वो मूणु टम्लर रव एंबो टम्लर तनी वो ना वो ऊतर सो ती वो ना तलबिल कुमार रव आड पड़ोना रवय वेगा केसरी टेस्ट ना इन ती ना कुटर इन वो नम्बर रवय वो आड पड़ी और फाइव मिनट्स विटो ना किरी को फाइव मिनट्स विटो रव वो रवय आड पड़े कुछ कुछ वो नहीं आड पड़ी आना उ लम्स वो फॉर्म आगाम इलेना नरे कटि आरमचो अब फाइनल वो केसरी मारिये पाती कुछ आड पड़ी किरी को अब उ लम्स फॉर्म आगाम वंस नहीं अब रे किरी किरी मरक कुछ रव किंग फाइनल एल रवे आड पड़िया आड पड़ी ना वो किरी को किरीटे रव वेगर को और टू टू थ्री मिनट्स अब विटें चिना चिना लम्स फॉर्म आज अब ना पड़े मारे नहीं करंटी को ना मैश पड़ी विड़ेंटेजल वो लम्स इलाम पातीटा मटम फाइनल वाक लम्से वह केसरी किरी मुड़े वाई लम्स फॉर्म आगा पाती ना अलती अलती किरी को कलर वह पाती ना वो आरेंज कलर वो ना एड़े केसरी पउडर नहीं वह केसरी पउडर आड पाक इतनी पाती लिक्विडल क सो நீங்க அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலரி கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா sugar வந்து ஆட் பண்ணிருக்கேன் சோ ஒரு டம்ளர் ரவைக்கு ஒரு டம்ளர் sugar வந்து போதுமானது நல்லா ஸ்வீட் சாப்பிடுவீங்க அப்படினா 1.5 டம்ளர் வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நாங்க வந்து மீடியமா தான் சாப்பிடுவோம் சோ 3 டம்ளர் ரவைக்கு 3 டம்ளர் sugar போட்டு கை விடாம கலரி கொடுக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க வந்து ஒரு 5 मिनिट्स வந்து கை விடாம கலர்னீங்கனா தான் லம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது
ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கைவிடாமல் கலர்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த கலரில் சேஞ்ச் ஆகி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லம்ஸ் கூட இருக்காது கேசரியில். அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மறுபடியும் ஒரு 3 டீஸ்பூன் நெய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெய்யை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் நல்லா கிளறி கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேசரி வந்து இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கேசரியை பொறுத்தளவுக்கு எவ்வளோ நெய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நல்லா நெய் சாப்பிடுவீங்க பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து மீடியமாக தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி கிறிஸ்மஸ் பழம் இது வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 கலர் கிளறி கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி கிறிஸ்மஸ் பழம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளறி கொடுக்கணும். கிளறி கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஏலக்காயை வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா, அதை வந்து நல்லா இடித்து சேர்த்திக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஏலக்காயோட ஃப்ளேவர் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கேசரியில் இறங்கும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அப்படியே இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஏலக்காய் பொடியாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஏலக்காய் எசன்ஸாகவும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நல்லா கிளறி கொடுத்தீங்கன்னா கேசரி ரெடி ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதாங்க, நெய் சொட்ட சொட்ட கேசரி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கும்போதே சாப்பிட்ணும்னு தோணுது இல்லைங்களா. அவ்வளோதான், 5 to 6 மேக்ஸிமம் 6 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து ரெடி ஆகிடும். கேசரி சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.